हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजय सर में। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अनिश्चित फलन। तो देखिए अनिश्चित फलन क्या होता है, तो निषेचन के बिना फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिश्चित फलन कहा जाता है। अर्थात अनिश्चित फलन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है लेकिन फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो विधि होती है उसे हम लोग अनिश्चित फलन कहते हैं। इसका उदाहरण और अनिश्चित फलन के द्वारा उत्पन्न फल जो होता है बीज रहित होता है। जो फल उत्पन्न होता है उसमें बीज नहीं होता है। तो इसका उदाहरण आ जाएगा केला, और अनानास। तो देखिए अनिश्चित फलन का उदाहरण केला और अनानास होता है, और केला अनानास में बीज नहीं होता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ केला, टमाटर और अनानास, ये सब में अनिश्चित फलन होता है। नेक्स्ट है भ्रूण विकास। तो देखिए भ्रूण विकास क्या होता है, तो भ्रूण का विकास इस अवस्था में होता है। यहाँ एक युग्मज होता है, उसमें सूत्री विभाजन होता है, और इसके दौरान एक ये भ्रूणपोष बनता है। अब इस भ्रूणपोष को हम लोग अनुप्रस्थ काटते हैं। तो देखिए ये एक युग्मज होता है, ये युग्मज होता है, इसमें सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन के बाद एक भ्रूणपोष बनता है, और जैसे ही भ्रूणपोष को अनुप्रस्थ काटते हैं तो दो भाग बनता है। एक एक इसके ऊपर वाले भाग को आधारीय भाग कहते हैं तथा निचले भाग को अग्रस्थ भाग कहा जाता है। तो देखिए
तो देखिए, जैसे भ्रूण कोष को हम लोग अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसका उसमें दो भाग मिलता है। ऊपरी वाले भाग को आधारीय भाग कहा जाता है, नीचे वाले भाग को अग्रस्थ भाग कहा जाता है। अब इसका जो आधारीय भाग होता है वो विभाजन होता है, और विभाजन के दौरान एक लंबी सी संरचना बनाता है, उस लंबी सी संरचना को हम लोग निलंबक कहते हैं। और जो अग्रस्थ भाग होता है वो उसमें भी विभाजन होता है, और विभाजन होकर वो गोलाकार संरचना बनाता है। फिर इसमें फिर विभाजन होता है, तो विभाजन होने के पश्चात ये जो निलंबक होता है वो तो उसमें विभाजन नहीं होता, वो वैसे ही रह जाता है। लेकिन जो गोलाकार संरचना बनाता है अर्थात जो अग्रस्थ भाग होता है उसमें फिर विभाजन होता है, वो हृदयकार संरचना बनाता है। तो देखिए, ये एक हृदयाकार संरचना बनाया, और इस प्रकार से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का निर्माण होता है। तो इसमें हृदयाकार विभाजन संरचना बनता है, और फिर उसमें विभाजन होता है, और विभाजन के परिणाम स्वरूप एक बीजपत्री भ्रूण कोष और दो बीजपत्री भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो देखिए, द्विबीजपत्री भ्रूण कोष क्या होता है, तो इसमें बीजपत्र जो होता है दो होता है, और उन दोनों बीजपत्र को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन वही जो एक बीजपत्री होता है वो उसमें एक बीजपत्र होता है, और उसको हम लोग अलग कर नहीं सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ये निलंबक कोशिका निलंबक संरचना बनाया था, और यहाँ एक ये हृदयाकार संरचना बना था, और ये हृदयाकार संरचना जो होता है फिर विकसित होता है, विकसित विभाजन होता है, और उसके बाद इस प्रकार से द्विबीजपत्री का निर्माण होता है। तो देखिए, द्विबीजपत्री इसका उदाहरण चाना और चाना होता है द्विबीजपत्री। तो देखिए, जो द्विबीजपत्री होता है उसमें इस तरह की संरचना होती है, और ये भाग जो होता है ये खाने वाला भाग होता है, और यहाँ जो ऊपर की ओर ये जो नुकीली भाग है इसको प्रांकुर कहा जाता है, और ये विभाजित होकर प्रहोर का निर्माण करता है। और ठीक वैसे नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहा जाता है, और मूलांकुर मूल का निर्माण करता है। और ये जो दोनों भाग है इसको बीज पत्र कहा जाता है, और देखिए यहाँ दो बीज पत्र है, और इस प्रकार से ये चाना है, चाना में भी इस भाग को बीजावरण कहा जाता है, और ये जो छोटा सा भाग है इसको नाभिका कहा जाता है, और ये बीजांड द्वार होता है। नेक्स्ट है एक बीजपत्री भ्रूण कोष। तो इसमें एक बीजपत्र होता है, और इसका उदाहरण गेहूं और मक्का। गेहूं और मक्का होता है, तो गेहूं और मक्का जो होता है एक बीजपत्री होता है, और इसमें से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, तो देखिए बीज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है गैर एल्बिमिनियस बीज और दूसरा है एल्बिमिनियस बीज। तो देखिए, गैर एल्बिमिनियस बीज क्या होता है, तो
तो ये वैसा बीज होता है जिसमें भ्रूण पोष नहीं होता है, अर्थात इसका इसमें जो भ्रूण पोष होता है भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही उसका पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है, जिसे इसमें भ्रूण पोष शेष नहीं बचता है। तो उस प्रकार के बीज को हम लोग गैर एल्बुमिनियस बीज कहते हैं, लेकिन वही एल्बुमिनियस बीज जो होता है इसमें शेष भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है, तो एक बीज में बहुत एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण होने की मतलब होना बहुभ्रूणता कहलाता है, अर्थात इसमें एक बीज होता है और इसके अंदर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है, उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता की खोज ली वेनहॉक ने 1719 ईस्वी में किए थे। तो देखिए बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल नींबू आ जाएगा, उसमें बहुत सारे भ्रूण होता है। नेक्स्ट है सत्य बहुभ्रूणता। तो देखिए सत्य बहुभ्रूणता क्या होता है कि जब भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होता है, तो भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होता है उसे हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट है असत्य बहुभ्रूणता। तो जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या अधिक भ्रूण कोषों से होता है उसे असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। तो देखिए सत्य में था एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति हो रहा था, और ठीक वैसे ही असत्य में भी एक से अधिक भ्रूण की तो उत्पत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों से हो रहा है, जबकि सत्य में एक भ्रूण कोष के द्वारा ही होता है। तो देखिए बहुभ्रूणता के कारण क्या होता है, आखिर बहुभ्रूणता होता क्यों है, मतलब एक बीज में बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न कैसे होता है, इसका कारण देखते हैं कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण पोष हो जाता है तब बहुभ्रूणता होता है। नेक्स्ट है कि जब भ्रूण कोष में एक से अधिक अंड कोशिका उत्पन्न होता है तब वहां बहुभ्रूणता का निर्माण होता है। और अगला है कि जब एक अंड कोशिका कई सारी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तब बहुभ्रूणता का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।